तो विजय का माला पहना दे चंद्रहास चौपाल जी को। चलिए बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारे नेता, सभी लोगों से माफी, बहुत जगह जाना है, कार्यक्रम लगातार है, इसलिए आप सब लोग गांव कूच कीजिए, गांव में जाकर के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम धन्यवाद देते हैं और मुकेश सहनी जी को कहेंगे कि अपनी बात को रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद महागठबंधन के सभी नेतागण, और आगे भी कार्यक्रम है। आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी चंद्रहास जी यहाँ के प्रत्याशी बने हैं, बस आप लोगों से अपील है कि मजबूती से महागठबंधन के पक्ष में आप होंगे और गणेश भगवान को उनको शक्ति मिल सकता है। ये देश आपका है, ये देश का भाग्य है, जनता ही देश का भाग्य है। जितने साथियों अभी का जो सरकार है वो गणेश विकास का सरकार नहीं है, वो बड़े बड़े उद्योगपति अमीर का सरकार है, जिससे उनको बदलने की आवश्यकता है। साथियों ये देश का भाग्य बनाने के आपको सुबह को भैया कनी बगल भाग मंच पर उपस्थित माननीय नेतागण और जाने की मुद्रा में सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों, देवियों और सज्जनों, इस मैदान का अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है। 2000 ईस्वी में आपने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जो वचन दिया था उसके अनुरूप आपने काम किया। इस ऐतिहासिक मैदान से पुनः तेजस्वी जी को हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपने जो ऐतिहासिक प्रयोग नया शुरू किया है उस इतिहास के हम लोग भागीदार बनेंगे और भारी से भारी मतों से अपने उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल जी को जिताने का काम करेंगे। आप इस तपतपाती धूप में बिना साधन के पैदल या अपने साधन से यहाँ पहुँच करके और इस सभा को सफल करने का काम किया है, इसलिए
आज के इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम नेता, आप तमाम मतदाता मालिकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग अभी से 7 तारीख तक घर घर में पहुंच करके लालटेन की ज्योति जलाने का काम करेंगे और 7 तारीख को सवेरे से लाइन में लग करके 2 नंबर का बटन दबा करके अपने उम्मीदवार को जीता कर दिल्ली भिजवाने का काम करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आप तमाम लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। हेलो करण, करण यहाँ पर आओ। चुनाव एक तरफा है, आप सब देख रहे होंगे कि संपूर्ण देश में माहौल है संप्रदायवाद नफरतवाद के खिलाफ, जुमला के खिलाफ। जितनी बातें कह के माननीय देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने मोदी जी, वो एक भी चीज़ में सफल नहीं हुए। चाहे 2-2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी देने का मामला हो, चाहे किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का मामला हो, या महंगाई कम करने का मामला हो, सीमा सरहद की चौकसी का मामला हो, किसी मामले में, और यहाँ तक कि विदेशी धन जो बेईमानों का लाना था उनको प्रत्येक भारतीय खाता में 15 से 20 लाख रुपया देने वाले थे, वो सारे जुमले साबित हुए। इसलिए देश के लोग, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश की एक बड़ी पार्टी जो सत्तासीन है, वो जन सरोकार के किसी मुद्दे पर, चाहे सरकारी नौकरी का मामला हो, देश के विकास का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारों को जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत ने बेरोजगारी का, 2% से जहाँ 65% बेरोजगारी हो गई है, तो नौकरी का कोई नौ भी निकलता हो नहीं जिनके मुंह से, महंगाई का मौ भी नहीं निकलता हो, किसानों के बारे में एक शब्द भी न बोलता हो, दमनकारी हो, तानाशाही रवैया अपनाता हो, उस सरकार का जाना तय है। चारों तरफ हवा व्याप्त है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय बहुमत से जीते।